एक बार फिर मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। घरेलू हिंसा क्या है, इसके संदर्भ में चर्चा करना है। यह एक सामाजिक समस्या है जो किसी परिवार और समाज में देखा जाता है, जिसके कारण महिलाएं को समस्या से गुजरना पड़ता है। अक्सर उन्हें किसी भी बात को लेकर उसे हीन दृष्टि से देखा जाता है। कभी कभी उसे इतना सताया जाता है जिसके कारण वह आत्महत्या की ओर अग्रसर होती है। परिवार में अगर कम दहेज मिलता है तो उसे बराबर प्रताड़ना सुनने को मिलता है, जिससे वह अपने बच्चों के हित के लिए कार्य नहीं कर पाती है। देखा गया है कि पुरुष अपने आप को प्रधान मानते हैं और महिलाओं को तुच्छ मानते हैं, और ईगो की भावना होती है जिसके कारण पुरुष उसे पीटने की ओर अग्रसर होता है, गाली गलौज करता है। इस तरह से समाज में देखा जा रहा है कि घरेलू हिंसा बढ़ने लगी है। सिर्फ परिवार में ही नहीं बल्कि समाज में भी अक्सर महिलाओं को एक बुरी नज़र से देखा जाता है। जैसा कि बतलाया गया है कि अगर व्यक्ति अपने विचार में परिवर्तन नहीं करेगा तब तक समस्याएं बरकरार रहेगी। व्यक्ति को उसे समझने की आवश्यकता है, क्योंकि महिलाएं ही ऐसी होती है जो सिर्फ घर का काम नहीं करती बल्कि बच्चों का लालन पालन करती हैं और अपने बच्चों के भविष्य के लिए कार्य करती है। लेकिन आज पुरुषों को देखा जाता है कि अक्सर उन्हें प्रताड़ना देते हैं, जिससे हमेशा कुंठित की भावना उसमें रहती है। आवश्यकता इस बात की है कि पुरुष को नैतिक विकास करना होगा और उनके सुख दुख में साथ निभाना होगा, तभी परिवार का विकास हो सकता है। और जब परिवार का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, और जब समाज का विकास होगा तो देश का विकास होगा। इसलिए हमें सोचने की आवश्यकता है, परिवार में भी और समाज में भी महिलाओं के प्रति सोचना होगा, तभी किसी देश का विकास हो सकता है। अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस महत्वपूर्ण व्यूज़ को लाइक और शेयर करें, जिससे समाज में ये महत्वपूर्ण बातें पहुँचे और परिवार और समाज का विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद।